हेलो एवरीवन, और नेक्स्ट टॉपिक इज बायस स्टेबलाइजेशन। बायस स्टेबलाइजेशन, बायसीकरण, स्थायित्व, मतलब आप बायस जो कर रहे थे उसको भी हमें स्टेबलाइज करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, हम बायस क्यों कर रहे थे, हम जानते हैं कि हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है यानी कि प्रचालन बिंदु है वो एक्सटर्नल पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, इन पर डिपेंड कर रहे हैं। उनकी डिपेंडेंस को समाप्त करने के लिए हमने क्या किया था, ट्रांजिस्टर का बायस किया था। अब हम चाहते हैं कि हमने जो बायसीकरण किया है वो भी फिक्स्ड रहे, मतलब उसको भी हम एक्सटर्नल पैरामीटर से इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं बायसीकरण का स्थायित्व या बायस स्थायित्व। ठीक है, अब परिपथ को कुल मिला के हमें ताप से मुक्त करना है, तो इसके लिए तीन पैरामीटर्स होते हैं। जो आपकी कलेक्टर करंट होती है आईसी, वो डिपेंड करती है इन तीन पैरामीटर्स पर। वो फंक्शन है एक तो आईसीओ जो कि आपकी लीकेज करंट थी, एक आपका इनपुट पोटेंशियल VBE और एक आपका बीटा जो कि आपका करंट गेन है। इन तीन बातों पर आपका कलेक्टर करंट डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ से इसका टोटल डिफरेंशिएशन करें, टोटल डिफरेंशिएशन करने पर तो हमें मिलेगा DIC इज इक्वल टू, एक बार इसका पार्शियल होगा, डेल IC अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव डेल ICO के रेस्पेक्ट में इनटू DICO, पहले पार्शियल फिर टोटल प्लस, फिर करेंगे IC का सेकंड पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डेल VBE और यहाँ पर आएगा DVBE प्लस, फिर करेंगे IC का थर्ड पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डेल IC अपॉन डेल बीटा और फिर आएगा आपका डी बीटा। यहाँ पर हम इनको एक नए कांस्टेंट मान लेते हैं जिन्हें हम स्टेबलाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं S, DICO प्लस इसको हम मान लेते हैं S डैश DVBE प्लस इसको हम मान लेते हैं S डबल डैश और ये है आपका D बीटा। इक्वेशन फर्स्ट वेहर ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, S इज इक्वल टू है आपके पास डेल IC अपॉन डेल ICO, वेहर एस अगर ICO के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो VBE एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स। सिमिलरली एस डैश है आपके पास डेल IC अपॉन डेल VBE, यहाँ से डायरेक्ट कंपेयर करके लिख रहे हैं, वेहर अगर आपका VBE के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो ICO एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स। सिमिलरली S डबल डैश होगा आपके पास, S डबल डैश इज इक्वल टू डेल IC अपॉन डेल बीटा, वेहर एस अब क्या होगा, बीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो ICO एंड VBE आर कॉन्स्टेंट्स। तो ये आपको याद रखने हैं जो आपके S, S डैश एंड S डबल डैश आर स्टेबलाइजेशन कांस्टेंट, स्थायित्व गुणांक हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं चूंकि जो कलेक्टर करंट IC है वो होती है IC बहुसंख्यक आवेश वाहक मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स प्लस IC माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मिनिमम आवेश वाहकों के कारण। ठीक है, फिर IC मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स प्लस माइनॉरिटी वाले को क्या लिखते हो आप ICO, फिर आपको पता है कि आप इसको लिखते हो बीटा, बीटा इज इक्वल टू HFE इज इक्वल टू होता है आपके पास IC बहुसंख्यक मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स अपॉन नीचे क्या आता है इसमें बीटा के साथ IB। तो आप इसको क्या लिख सकते हो IC इज इक्वल टू IC मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स अपॉन नीचे आएगा आपके पास में IB
यहाँ हम अल्फा की टर्म में लिख रहे हैं इसको, ये आप चेंज कर देना, ये हमने पहले भी किया हुआ है, यहाँ अल्फा के टर्म में लिख रहे हैं। अगर अल्फा लिख रहे हैं तो सीबीसी कॉन्फ़िगरेशन का होगा, तो आईसी बहुसंख्यक अपॉन ये हो जाएगा आपके पास आईसी अपॉन आईई, ठीक है। तो आईसी मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की वैल्यू हो जाएगी आपके पास अल्फा इंटू आईई, तो आईसी इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा आईई प्लस आईसीओ। फिर आपको पता है आईई को भी आप क्या लिख सकते हो, आईई आपको पता है ये होता है आपके पास आईबी प्लस आईसी के, तो आईसी कितना हो जाएगा अल्फा इंटू आईबी प्लस आईसी प्लस आईसीओ के, ठीक है। तो आईसी वाली टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा आईबी प्लस आईसीओ, तो आई सी इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू आई बी प्लस आई सी ओ अपॉन 1 माइनस अल्फा, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि बीटा इज इक्वल टू होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, अगर मैं बीटा प्लस 1 करूँ तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस 1, एलसीएम लेके सॉल्व करें, 1 माइनस अल्फा अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा, तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा के, तो इसको तो हम बीटा प्लस 1 लिखेंगे, इसको बीटा लिखेंगे। तो आपके पास जो आईसी बनेगा अब आपके पास जो आईसी होगा वो होगा बीटा इंटू आईबी प्लस बीटा प्लस 1 इंटू आईसीओ, तो ये आपके पास टोटल कलेक्टर करंट आ गई है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू आईसी, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आईसी, तो ये कितना हो जाएगा, अभी हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो डेल आईसी अपॉन डेल आईसी ये तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू बीटा डेल आईबी अपॉन डेल आईसी प्लस बीटा प्लस 1 डेल आई सी ओ अपॉन डेल आई सी। फिर आपको पता है चूंकि अभी हमने स्टेबलाइजेशन कांस्टेंट निकाला था एस डेल आई सी अपॉन डेल आई सी ओ, तो ये तो 1 अपॉन s हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू बीटा डेल आई बी अपॉन डेल आई सी प्लस बीटा प्लस 1 इंटू 1 अपॉन s, तो बीटा प्लस 1 अपॉन s इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा डेल आई बी अपॉन डेल आई सी। तो फिर यहाँ से क्या होगा, आपके पास s स्टेबलाइजेशन कांस्टेंट निकालना है और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास स्टेबलाइजेशन कांस्टेंट 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा इंटू डेल आई बी अपॉन डेल आई सी, इसको दे देते हैं हम एक इक्वेशन नंबर, यहाँ से फर्स्ट ही दे देते हैं। अब हमें इसके भी वापस दो केस पढ़ने हैं, एक तो फिक्स्ड बायस केस फर्स्ट, फॉर फिक्स्ड बायस। फिक्स्ड बायस के केस में अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि इन दिस केस वी ऑप्टेंड, या तो आप पूरा डेरिवेशन करो या आप डायरेक्ट लिखो, आई बी आपको मिला था आई बी इज इक्वल टू वी सी सी अपॉन आर बी, ठीक है। और अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें विद रेस्पेक्ट टू आई सी, तो डेल आई बी अपॉन डेल आई सी आपको मिलेगा इज इक्वल टू 0। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन सेकेंड इन 1 वी गेट एस इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस 0, यानी कि 1 प्लस बीटा। फिर आपको पता है चूंकि बीटा इज ग्रेटर ग्रेटर देन 1, इसलिए एस भी क्या होगा, ग्रेटर ग्रेटर देन 1 होगा। एस स्थायित्व गुणांक 1 से बहुत ज़्यादा है, किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी हो तो उसका स्थायित्व 1 आना चाहिए, आउटपुट अपॉन इनपुट इज इक्वल टू 1। बट यहाँ पर क्या हो रहा है,
स्टेबिलिटी कांस्टेंट बहुत ज़्यादा आया है, इसीलिए फिक्स्ड बायस का यूज़ हम बहुत कम करते हैं, क्योंकि इसका स्टेबलाइजेशन कॉफिशेंट ही बढ़ गया। तो क्योंकि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये हमने पहले ही देख लिया था। अब इसके लिए हम वापस केस सेकंड देखेंगे। केस सेकंड फॉर सेल्फ इमिटर बायस, स्वतः उत्सर्जक बायस, इमिटर फीडबैक बायस। इसमें हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, लेकिन उससे पहले इसका सर्किट बनाना पड़ेगा वापस। तो इसका सर्किट था आपके पास, ऊपर आपने बैटरी VCC की सहायता से कलेक्टर को बायस किया था, इसका रेजिस्टेंस था RL, करंट आ रही थी IC। ये आपका कलेक्टर, ये आपका बेस और ये आपका इमीटर। इमीटर आपका ग्राउंडेड था, यहाँ पर आपने एक रेजिस्टेंस लगा रखा था RE, करस्पॉन्डिंग करंट थी आपके पास IE। यहाँ आपके पास एक रेजिस्टेंस था RB, से बैटरी कनेक्टेड थी हमारी VBB, इसके कारण करंट जा रही थी इनपुट पे IB। इधर हम इनपुट रेजिस्टेंस नोट डाउन करते हैं ऑलवेज VI। इधर हम आउटपुट रेजिस्टेंस नोट डाउन करते हैं ऑलवेज V0। इनपुट पे जो पोटेंशियल चलता है वो होता है हमारा VBE, आउटपुट पे जो पोटेंशियल होता है वो होता है हमारा VCE। ठीक है, तो अब हम इसके आउटपुट सर्किट में निर्गत परिपथ में किरचॉफ का नियम लगाएंगे। ठीक है, इसमें हम इनपुट सर्किट में लगाएंगे किरचॉफ्स लॉ, और सेकंड बात जो हमें S की वैल्यू देखनी थी कि स्टेबलाइजेशन क्या होगा, तो हमने इस इक्वेशन को इधर लिख लिया है। अब हम यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ लगा रहे हैं इन इनपुट सर्किट यूजिंग किरचॉफ्स लॉ इन इनपुट सर्किट। वी गेट टोटल पोटेंशियल इनपुट का कितना है, VBB इज इक्वल टू, फर्स्ट पोटेंशियल होगा RB इंटू IB प्लस सेकेंड पोटेंशियल ये आपका इनपुट पे जो पोटेंशियल है ट्रांजिस्टर के VBE प्लस लास्ट पोटेंशियल होगा IE इंटू RE। फिर आपको पता है चूंकि IE इज इक्वल टू होता है IB प्लस IC, तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, VBB इज इक्वल टू RB इंटू IB प्लस VBE प्लस IE की वैल्यू होगी IB प्लस IC इंटू RE। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने पोटेंशियल लिख लिए हैं। अब यहाँ से IB को हम कॉमन ले सकते हैं, तो IB के साथ क्या क्या मिलेगा, RB प्लस यहाँ से मिलेगा आपको RE प्लस VBE प्लस IC इंटू RE और इधर आपके पास है VBB। इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, टेकिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू IC, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डेल IB अपॉन डेल IC, इसलिए। तो ये तो VBB तो कांस्टेंट है, ज़ीरो हो जाएगा। इसका करेंगे हम तो RB प्लस RE कांस्टेंट है, और इसका क्या बनेगा, डेल IB अपॉन डेल IC प्लस VBE कांस्टेंट है इसका ज़ीरो, प्लस इसका क्या होगा RE, और डेल IC अपॉन डेल IC 1। तो डेल IB अपॉन डेल IC इज इक्वल टू होगा माइनस ऑफ RE, ये टर्म इधर जाएगी और ये डिवाइड में RB प्लस RE के। ठीक है, फिर आपको पता है चूंकि RB प्लस RE ऑलमोस्ट इक्वलेंट होगा इमीटर रेजिस्टेंस RE के, डेल IB अपॉन डेल IC जो है वो हमें मिलेगा माइनस वन। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट स्टेबलाइजेशन फैक्टर S इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस
बीटा और फिर इसके साथ क्या आएगा माइनस वन, तो एस इज इक्वल टू वन प्लस बीटा अपॉन वन प्लस बीटा, तो एस इज इक्वल टू कितना होगा वन, ये आपका स्टेबलाइजेशन फैक्टर। तो आप देख सकते हो कि उसमें नियत बायस वाले केस में जो आपको स्टेबलाइजेशन फैक्टर मिला था वो ग्रेटर ग्रेटर देन वन था, लेकिन यहाँ आपके पास फिक्स आ गया ग्रेटर इज इक्वल टू वन, और स्टेबलाइजेशन फैक्टर जितना वन के क्लोज होगा उतना ही आपका ट्रांजिस्टर का जो बायस है वो अधिक स्थायी होगा और उस परिपथ की टेम्परेचर पे डिपेंडेंस बिल्कुल ख़त्म होगी। इसलिए हमारे पास बेस्ट फैक्टर है ये सेल्फ इमिटर फीडबैक बायस। ओके, थैंक यू।